तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एस सी वर्मा चैप्टर नंबर थ्री ऑब्जेक्टिव वन की ठीक है तो क्या बोला है कि अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ठीक है एक बिल्डिंग है ऐसी और ये ग्राउंड है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है ठीक है अब ये क्या किया कि थ्रोस टू बॉल्स ए एंड बी द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द सेम स्पीड इसका क्या मतलब है कि लेट से उसने दो बॉल फेंकी मैं यहाँ पर बना देता हूँ ठीक है ये बॉल पहली बॉल को उसने फेंका जिसका नाम ए है उसको उसने फेंका ऊपर ठीक है मान लेते हैं कि यू स्पीड से और दूसरी बॉल को फेंका उसने नीचे फिर से यू स्पीड से क्यों क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि द बॉल ए सॉरी देखिए द द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड ठीक है तो सेम स्पीड से ऊपर और नीचे फेंका फेंका गया है दोनों बॉल को तो बोला है कि जो ए बॉल है यानी कि जो ये वाली बॉल है ए और इसका नाम क्या है बी बोला है कि ए बॉल जब नीचे आती है तो ग्राउंड पे हिट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होती है वी ए ठीक है यहाँ पर वी ए भी होगा है. और जो बी है वो हिट कर रहा है वी से अब बात की गई है दोनों के बीच में रिलेशन की चार ऑप्शन दिए हुए वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है कि दोनों बराबर हैं कि द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी रिपेंडेंट्स ऑन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द ग्राउंड बोला है चौथे ऑप्शन में बोला है कि हाइट पे डिपेंड कर रहेगा बिल्डिंग की तो अब आगे बात करते हैं क्या आंसर है अपने को पता है कि किसी भी वॉल को अगर ऊपर यू स्पीड से फेंको तो वो जब नीचे आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है यू ही होती है तो अगर मैं बॉल ए की बात करूं, ठीक है ये रहा अपना बॉल ए अगर मैं इसको यू स्पीड से ऊपर फेंका हूं, तो ये वापस जब घूम के इसी पॉइंट पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी यू ही होगी ठीक है तो ये तो बॉल ए की कहानी होगी अब बॉल बी की कहानी क्या है बॉल बी को सीधा यू स्पीड से फेंका गया है ये बॉल बी की कहानी है ठीक है तो जब इस पॉइंट से ये बॉल दोनों बॉल जब नीचे आई तो दोनों की स्पीड कितनी है यू और यू तो ऑब्वियसली नीचे जो है ये बिल्कुल सेम स्पीड से हिट करेगी ग्राउंड को फ़र्क बस इतना है कि बी थोड़ा पहले हिट करेगा और ए जो है बाद में हिट करेगा क्योंकि ई को पहले ही नीचे फेंक दिया गया है जबकि सॉरी बी को पहले ही नीचे फेंक दिया गया है जबकि ए को पहले ऊपर जाएगी वो बॉल फिर नीचे आएगी फिर और जो है ग्राउंड तक जाएगी तो बस टाइमिंग का फ़र्क है पर अगर रिलेशन की बात करें तो सी इज़ अवर राइट आंसर ठीक है वी ए इज इक्वल टू वी बी